एवरीवन, आज बहुत ही प्यारे बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। पूरा एयर प्योरीफायर बॉम है ये, एयर प्योरीफायर प्लांट्स का। ये कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं जो मैंने बाय किए हैं, मनिंदर सिंह जी जो है पंजाब में रहते हैं उनसे बाय किए हैं। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है उनके पास, काफ़ी हेल्दी और मैच्योर प्लांट्स थे। पैकेजिंग आप देख ही रहे हो कि कितनी अच्छी उन्होंने पैकेजिंग करके भेजी है, और प्लांट देने से पहले उन्होंने मुझे प्लांट्स पसंद भी करवाए और उसके बाद मेरे साथ इमेजेस भी शेयर करी, और जो इमेजेस उन्होंने मुझे शेयर करी वही प्लांट उन्होंने मुझे शेयर भी किए हैं, सेम प्लांट उन्होंने मुझे पोस्ट भी किया है। थैंक यू सो मच मनिंदर जी, आपने मुझे बहुत ही अच्छे प्लांट पोस्ट किए हैं। ये सारे सेंसिवेरिया कलेक्शन है, कुछ न्यू वेराइटी ऑफ सेंसिवेरिया है, नॉर्मली यहाँ पर नहीं है ये सारे प्लांट। ये देखिए, ये सेंसिवेरिया टेराफिसाटा हानी है जो मेरे पास आया है। ये बर्डनेस की एक और वेराइटी है जो है, ये है ब्लैक जैक जिसे मैं ओपन कर रही हूँ। उन्होंने काफ़ी अच्छी रैपिंग टिशू से पूरे प्लांट को कवर करके मुझे पोस्ट किया है। ऑक्सीजन प्लांट है ये, सब जानते हैं ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। और ये किरकी है कॉपरटोन जो मुझे दिया है, इसके लिए सॉइल मैंने रेडी किया हुआ है, तो सॉइल का जो मिक्सचर है और उसमें जो सब कुछ चीज़ें हैं। और ये वेल्फिन है, मैंने वन लीफ मांगा था, मुझे वो मिला है। सेकंड लीफ जो है वो 200 अराउंड था, मैंने उनसे ये लिया है। ये है सेंसिवेरिया बर्नर, ये उसका एक पप है जो मुझे मिला है। यही कुछ 6 प्लांट हैं सेंसिवेरिया के। OMG, ये सारे प्लांट जो हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, आप देख रहे हैं। और जो इस तरह से थे तो बीच में भी इन्होंने टिश्यू रख के भेजे थे ताकि प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो कहीं से क्रैक नहीं हो जाए। सॉइल की जहाँ तक बात करूँ, महेंद्र जी ने मुझे एक्सप्लेन किया था कि अगर आप इसे सिंडर में लगाते हैं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है इसकी, एरिएशन रूट्स को काफ़ी अच्छा मिलता रहता है। बट सिंडर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगर आप में से कोई सिंडर यूज़ करते हैं तो आप सिंडर डाल सकते हैं। वैसे मैं अपना नॉर्मल सॉइल है जो मैंने पॉट में रेडी किया हुआ, ये आने वाला था तो उसका मैसेज आ चुका था मेरे पास, तो मैंने अपने पॉट में सॉइल रेडी किया हुआ था तो मैं ये उसी के अंदर डालूंगी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। और जो मेरा सॉइल है, मैं फिर से मेंशन कर दूं कि उसके अंदर जो है गार्डन सॉइल है, नीम खली मैंने मिलाया हुआ है, वर्मी कंपोस्ट है, साथ में गॉट मैन्योर है थोड़ा, और थोड़ा अच्छे से सड़ा हुआ काउडम मैन्योर है, मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट उसके अंदर डला हुआ है, और ड्राई लीव कंपोस्ट भी मैंने उसके अंदर मिला रखा है। तो ये सारी चीज़ें मेरी रेडी सॉइल के अंदर है। और जो खेत के अंदर जो पूरा खेती करते टाइम जो इनको खाद वगैरह प्रोवाइड होती हैं, एक बाउल के लमसम मैंने उसमें अभी वो भी मिलाया है। तो ये सारे चीज़ें मेरे सेंसिवेरिया सॉइल में मैंने मिलाई हुई हैं और उसी के अंदर मैं इसमें डालूंगी। मनिंदर जी के पास काफ़ी सारे प्लांट थे, काफ़ी लंबी बात चली, बीच में थोड़ा लंबा गैप डल गया, पर प्लांट मुझे मिल गए। कुछ प्लांट मैंने और मंगाए थे बट वो एक्चुअली सेल आउट हो गए, वो रहे ही नहीं। तो ये 18 प्लांट से केवल ये 6 प्लांट रह गए, तो अभी फिर से वापस जब उनके पास अवेलेबल होगा तो वो प्लांट मैं और परचेज करूँगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। सेंसिवेरिया की वेराइटीज़ इतनी ज़बरदस्त हैं कि मतलब आप खरीदते रहिए लेकिन ख़त्म नहीं होंगी। ये सारे कलेक्शन है और ये मैंने इन्हें फटाफट, बिकॉज पॉट रेडी किए हुए थे तो मैंने इन्हें तुरंत पॉट में डाल दिया, इनमें वाटरिंग कर दी। आज इन्हें अच्छी तरह से मैंने इनके अंदर वाटरिंग कर दी है। सेकंड वाटरिंग इनके अंदर मैं तभी करूँगी जब ये पूरे तरीके से ड्राई होंगे, बिकॉज सेंसिवेरिया को ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं पसंद। सेंसिवेरिया एक काफ़ी हार्डी प्लांट है, ओवर वाटरिंग से इसके स्पाइंस जो हैं, इसकी रूट्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो वाटरिंग से हमें बचना है। और अभी क्योंकि रिसेंटली ये प्लांट आए हैं तो मैं इन्हें मॉर्निंग और इवनिंग की जो सनलाइट होगी सिर्फ वही दूंगी, दिन की तेज़ धूप में मैं इन्हें अभी नहीं रखूँगी। और वैसे भी इनमें जब तक न्यू शूट्स नहीं आएंगे तब तक ये मुझे करना ही होगा। तो हैप्पी गार्डनिंग।